हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की यहाँ पर डेफिनेशन की बात की है, तो हमारे पास डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। और इसकी जो डेफिनेशन को जिसको हमने डेफिनेशन में सेट का लफ्ज़ यूज़ किया, तो सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो दिस इज द सेट, ठीक है। एंड ऑर्डर पेयर्स की बात की है हमने, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स, तो ये वाले ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है ना, ए क्रॉस ए डॉट ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए सेट है जो है 1 2, और बी सेट है वो एक ही एलिमेंट पर मुश्तमल है जिसे हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1A एंड 2A। सो दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी तरह हम बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं, बी क्रॉस ए वो होगा A1 एंड A2, ठीक है। इन जनरल हमारे पास ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद है कि सेट ए का, सेट ए का अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस ए, ठीक है, तो वो होगा 1 2, ठीक है, क्रॉस 1 2, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ठीक है, तो ए क्रॉस ए, ठीक है। इस केस में ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ठीक है। सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में ऐसे हो सकता है, सिमिलरली बी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी, लेकिन ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो दिस इज़ दी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन भी इसे कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो वो होगा ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आर, दैट इज आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये कितने रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी रिलेशन ले सकते हैं हम, कि जैसे इसमें ले सकते हैं हम 1A, ठीक है, 1A इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह 2A, ठीक है, इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम इस सेट की बात करें, अगर हमें ये कहा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n, ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ रिलेशंस मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 इंटू 1, तो 4 बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस।
तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है, वन टू एंड वन, ठीक है। तो ये एक इंतहाई सिंपल एग्जांपल है। इसमें अगर हम रिलेशंस किस तरह के होंगे, रिलेशंस फर्स्ट रिलेशन जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। सेकंड रिलेशन जो होगा वो होगा वन ए, थर्ड रिलेशन होगा टू ए, ठीक है, एंड फोर्थ रिलेशन होगा वन ए एंड टू ए, ठीक है। तो ये होगा नंबर ऑफ रिलेशंस मालूम करने का फार्मूला होता है, टू पावर एन एम क्रॉस एन। तो इसमें देखें एम कितने हैं, एम की वैल्यू कितनी, टू, और इसमें एन की वैल्यू कितनी, वन, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है टू पावर एम क्रॉस एन, टू पावर टू क्रॉस वन, टू पावर टू इज इक्वल टू फोर। तो चार फोर रिलेशन इसमें बनेंगे ए क्रॉस बी में। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो टू पावर टू क्रॉस टू, टू पावर फोर, तो ये सिक्सटीन रिलेशन बनेंगे नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें m की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है, ठीक है। तो 2 पावर 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 16 इज इक्वल टू, ठीक है, 16। तो ये 16 नंबर ऑफ रिलेशंस इसमें बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये तो थी मेरी वीडियो अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। पहले हमने रिलेशन की डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को कंसीडर किया, डिस्कस किया इसमें, ए क्रॉस बी, ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू बी। इसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दिखाए किस तरह ए क्रॉस बी और फिर बी क्रॉस ए, तो दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने रिलेशन और बाइनरी रिलेशन की बात की, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कोई भी हमने यहाँ से रिलेशन लिया, ठीक है ना, तो रिलेशन ए क्रॉस बी से बिलोंग करता था, ठीक है। तो इसी तरह टू ए वो भी इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी नंबर ऑफ रिलेशंस मालूम करने हो कि दो सेट्स दिए हुए हैं उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, तो उसका फार्मूला होता है टू पावर एम क्रॉस एन, ठीक है। तो इसमें भी हमने मालूम कर लिया कि वो कितने, चार, ठीक है। और इसी तरह इसके केस में भी हमने मालूम कर लिया कि वो कितने रिलेशन बनेंगे, 16। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह एक रिलेशंस जो है वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो सी यू टू नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।